हेलो दोस्तों, बिना किसी भी देरी के आज हम बात करेंगे क्रिकेट के 10 ऐसे शर्मनाक घटना के बारे में जिसने क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को भी शर्मसार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो क्रिकेट खेल में अंपायर का निर्णय अंतिम माना जाता है, लेकिन कभी कभी खिलाड़ी जोश में होश को बैठते हैं। ऐसे ही कुछ ढाका प्रीमियर लीग दौरान हुआ कुछ यूं, जब शकीब अल हसन की गेंदबाजी के दौरान बार बार LBW की अपील करने पर अंपायर ने आउट नहीं दिया तो पहले शकीब ने गुस्से में आके स्टंप पर लात मारी। इसके बाद ओवरों के बीच में फिर से अंपायर से बदतमीजी से बात करते हुए नजर आए और इस बार शकीब अल हसन इतने गुस्से हो गए कि वो तीनों विकेट को खा कर फेंक दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि शकीब किस तरह से अंपायर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। शकीब ने मैदान में जो किया उसे लेकर लोगों ने जमकर ट्रॉल किया। क्रिकेट फैंस ने गुस्से में बांग्लादेश बोर्ड, यहां तक कि ICC से भी मांग कर दी कि उन्हें बैन कर दिया जाए। उसके बाद शकीब पर 5 लाख रुपए की जुर्माना और 3 मैच की बैन लगाए गए। वैसे तो हमारे यहां कहा जाता है मेहमान सब कुछ होता है, लेकिन इंग्लैंड के दर्शकों ने क्रिकेट के अहंकार कहने वाले लॉर्ड्स के मैदान में सारे हदें पार कर दी। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम के खिलाड़ी KL राहुल के ऊपर सैम्पिन के ढक्कन फेंकने लगे। हुआ कुछ यूं, एक टेस्ट मैच के चलते हुए जब भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी तभी KL राहुल बाउंड्री के पास खड़े थे। इस समय इंग्लैंड के दर्शकों ने KL राहुल के ऊपर सैम्पिन के ढक्कन फेंकना शुरू कर दिया। जब कप्तान कोहली ने यह देखा तो उन्होंने इशारा करके कहा कि जो फेंक रहा है तुम भी उनके तरफ फेंक दो, और फिर कप्तान इस घटना की शिकायत तुरंत अंपायर से भी की। इसके बाद अंपायर ने भी उन दर्शकों के ऊपर कार्रवाई की। इस घटना को देखकर कमेंटेटर्स ने भी काफी आलोचना की। वैसे तो क्रिकेट का खेल जोश और जुनून के साथ खेला जाता है, पर काफी बार ऐसा होता है मैच के दौरान खिलाड़ी आपस में ही टिप्पणी कर देता है। बहुत बार तो ये उस जुनून की वजह से खिलाड़ी के बीच हाथापाई के जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच के दौरान हुआ, जब पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियादाद ने डेनिस लिली के गेंद पर शॉट खेला और रन के लिए भागे, उसी वक्त लिली से उनकी टक्कर हो जाती है। वीडियो में मामला साफ था कि लिली ने जानबूझकर मियादाद के रास्ते में आए, लेकिन लिली अपने गलती क्यों मानते। तो इस दौरान लिली ने अंपायर से स्वेटर मांगते वक्त मियादाद को लात मार दी, और इसके बाद जावेद मियादाद भी बल्ला लेकर लिली पर कूद पड़े और फिर अंपायर ने जैसे तैसे करके उन दोनों को शांत करवाया। और ऐसे बीच मैदान में एक दूसरे को हाथ पैर मारना काफी शर्मनाक है। साल 1996 में भारत और श्रीलंका के सेमीफाइनल मुकाबला में कुछ ऐसा हुआ जिन्हें क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। श्रीलंका के दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत जब 93 रन पर 1 विकेट गंवा कर अच्छी स्थिति पर दिख रहा था, मगर अगले 75 गेंदों में भारत का स्कोर 120 रन पर 8 विकेट हो गया। मैदान पर विनोद कांबली अनिल कुंबले के साथ मौजूद थे। भारत का स्थिति को देखकर भारतीय दर्शकों का गुस्सा टूट पड़ा। उन्होंने गुस्से में आकर मैदान पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी और साथ में स्टेडियम में आग भी लगा दी। इस घटना को देखकर अंपायर ने मैच को रोकने का फैसला किया, लेकिन जब दोबारा मैच शुरू हुआ तब भी भारतीय दर्शकों का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसके बाद श्रीलंका को मैच का विजेता घोषित कर दिया, जिसके बाद भारत को काफी शर्मसार होना पड़ा। इस घटना आज भी क्रिकेट जगत में शर्मनाक घटना में याद की जाती है। क्रिकेट के खेल में कहा जाता है कि जिस टीम के प्लेयर्स के बीच जितनी गहरी दोस्ती होगी और एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा वो उतना ही अच्छा प्रदर्शित करेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स एक दूसरे से उलझ जाता है, कभी मैदान के बाहर तो कभी मैदान में खेल के दौरान। ऐसा ही कुछ ढाका प्रीमियर लीग के दौरान दिखा। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आए। हुआ कुछ यूं, एक कैच को पकड़ने की प्रयास में मुश्फिकुर रहीम गेंद तक पहुंच गए थे और वही फाइन लेग पर तैनात नसीर अहमद ने भी कैच को पकड़ना चाहते थे। मुश्फिकुर रहीम ने कैच को पकड़ा और उसी दौरान उसके साथी नसीर से हल्का सा टच हो गया, तो इस बात पर मुश्फिकुर को
इतना गुस्सा आया कि वो उसके साथी को थप्पड़ मारते मारते रुक गए। एक समय ऐसा लगा मुस्फिकुर उसको थप्पड़ मार ही बैठेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने खुद को संभाल लिया। खैर, ऐसी हरकत करना काफी शर्मनाक होता है क्रिकेट के खेल में। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने साल 2009 में पाकिस्तान का दौरा किया। एक टेस्ट मैच के दौरान जब श्रीलंकन टीम होटल से लाहौर के स्टेडियम के लिए रवाना हुई तो रास्ते में श्रीलंकन टीम बस पर आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दिया। फिर बस ड्राइवर की सूझबूझ के कारण खिलाड़ी की जान बच गई। इस घटना के बाद श्रीलंका ने अपने दौरे को रद्द कर दिया और स्टेडियम में ही हेलीकॉप्टर भेजकर उनको श्रीलंका वापस ले आया। इस घटना में श्रीलंका के 6 खिलाड़ी घायल हो चुके थे और पाकिस्तान के 6 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक इस हमले में मारे गए थे। इसे क्रिकेट इतिहास का काला दिन कहा जाता है। 1981 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक ओडीआई में एक ऐसा हादसा हुआ जो देख के सभी क्रिकेट प्रेमी नाराज हो गए। दरअसल ये मैच 1 फरवरी 1981 के दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। इस मैच में न्यूजीलैंड को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। मतलब इस मैच में न्यूजीलैंड तभी जीत सकता था जब बल्लेबाज आखिरी गेंद पर बड़ी शॉट खेले, पर ट्रेवर चैपल आखिरी गेंद अंडर आर्म डाल दी, यानी गेंद बल्लेबाज की तरफ लुढ़का दी, जिसके कारण बल्लेबाज उस गेंद पर कोई भी शॉट नहीं मार पाया और बल्लेबाज ब्रायन मैकनी हक्के बक्के रह गए और गुस्से में अपने बैट को फेंक दिया और ट्रेवर चैपल की अंडर आर्म गेंद के कारण न्यूजीलैंड इस मैच में हार गया। तब ऐसी गेंद क्रिकेट नियमों के अनुसार गलत नहीं थी, ये सरासर खेल भावना के विपरीत थी। ये केवल न्यूजीलैंड के दर्शकों को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों ने भी विरोध किया। ये बात यहीं तक नहीं रुका, दोनों देशों की पीएम ने भी इस घटना की शर्मसार बताया। लेकिन मजे की बात यह थी कि ये काम दोनों भाई ग्रेट चैपल और ट्रेवर चैपल के प्लानिंग से किया गया था। डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के बहुत जाने माने खिलाड़ी रह चुके थे जो अपने पीढ़ी के सबसे अच्छे बॉलर रह चुके हैं। उन्हें उनके उग्र स्वभाव के लिए दुनिया भर में जाना जाता था और वो उनके समय के काफी लोकप्रिय खिलाड़ी भी थे। एक बार डेनिस एल्यूमिनियम बैट से खेलने के लिए मैदान में पहुंच चुके थे और उनकी एल्यूमिनियम बैट की वजह से गेंद खराब हो रही थी, इसीलिए प्रतिद्वंदी टीम के द्वारा इस बल्ले को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया। मैदान में मौजूद अंपायर ने भी उनको इस बल्ले से खेलने में मना कर दिया। तब डेनिस को गुस्सा आ गया, तब उन्होंने बड़े ही छल्लाहट के साथ बैट को फेंक दिया। मैच के दौरान कभी कभी खिलाड़ी आपस में इतना ही भिड़ जाते हैं कि जब उन्हें एहसास होता है कि वो अपने टीम को नहीं जिता सकते तो उस वक्त सामने वाली टीम की सफलता को रोकने की प्रयास में जुट जाते हैं। ऐसा ही कुछ भारत और श्रीलंका के खेले गए एक मैच के दौरान हुआ। इस मैच में टीम इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग 100 गेंदों पर 99 रन बनाकर नॉट आउट थे और उनको भी अपनी शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। और तभी श्रीलंका के ऑफ स्पिन गेंदबाज सूरज रणदीप ने दिलशान के कहने पर जानबूझकर नो बॉल फेंक दिया और उस बॉल पर सहवाग ने छक्का भी मार दिया। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि सहवाग अपना शतक पूरा न कर पाए और इसके कारण रणदीप को 1 मैच का बैन भी झेलना पड़ा था। साल 2018 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी, लेकिन तीसरे मैच का दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया। इस घटना में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। हुआ कुछ यूं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और अचानक एम्पायर ने कैमरून बैनक्रॉफ्ट को बुलाया और अपने जेबें दिखाने को कहा, लेकिन जब कैमरून ने अपने जेबें दिखाई तब उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वीडियो की फुटेज चेक किया गया तब असल घटना सामने आई। कैमरे में दिख रहा था कैमरून अपने अंडरवेयर से कुछ निकाल कर बॉल पर घिस रहा है। इससे तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई थी और उसके बाद जो हुआ वो सुन के सब तंग रह गए। स्टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि हमने और टीम ने साथ मिलके बॉल टेम्परिंग की है। उसके बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को पूरे क्रिकेट जगत से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था।